गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड इंस्टेंट कुल्फा बनाने की रेसिपी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। किंग कुल्फा प्रिपेयर करने के लिए मैंने 2 मीडियम स्लाइस ऑफ ब्रेड लिए हैं और इनको अच्छे से चॉप कर लिया है। अब ड्राई रोस्ट को लो फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन करूंगी। ड्राई रोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इनको ठंडा कर लूंगी। 3 टेबलस्पून शुगर पाउडर, 2 टेबलस्पून ग्रैंड पिस्टैचियो, 2 टेबलस्पून ग्रैंड आलमंड्स, 3 टेबलस्पून ड्राइड मिल्क पाउडर, 3 टेबलस्पून आलमंड पिस्टैचियो स्लाइस, 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, 2 टेबलस्पून क्रीम, 1 टीस्पून ग्रैंड कार्डमम। एक बाउल लेकर उसमें मैं चीनी ऐड करूंगी, बादाम डालूंगी, फिर पिस्ता डालूंगी, ड्राई मिल्क पाउडर डालूंगी, ब्रेड क्रम्स डालूंगी, इलायची डालूंगी, पिस्ता और बादाम डालूंगी। अब इनको अच्छे से मिक्स करूंगी। किंग कुल्फा मिक्सचर रेडी हो गया है। किंग कुल्फा प्रिपेयर करने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अब इसको बॉयल आने तक वेट करूंगी। लो फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए पकाऊंगी। 1 लीटर दूध में हम डालेंगे 1 कप किंग कुल्फा का मिक्सचर और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि कंबाइन हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम 5-6 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि ठीक हो जाए। मिक्सचर ठीक हो गया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी। मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी क्रीम और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। किंग कुल्फा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें सारा बैटर डालकर इसको फाइल से रैप कर लूंगी। अब मैं इसको 5-6 आवर्स के लिए फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखूंगी। किंग कुल्फा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर आलमंड्स और पिस्टैचियो को स्प्रिंकल करूंगी। किंग कुल्फा मिक्सचर बहुत ही यमी था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे भी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।